हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। दरअसल राजस्थान के जालौर में नीलकंठ मंदिर के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कहा है कि भारत का अगर कोई राष्ट्रीय धर्म है तो वो सनातन धर्म है। भारत के अगर धर्म स्थलों को अपवित्र करने की कोशिश की जाएगी तो उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, जैसा कि अभी अयोध्या के राम मंदिर के लिए हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है और 500 साल बाद ये मौका आया है जब खुद रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। लेकिन इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अगर भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, तो बाकी धर्मों का क्या? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म क्या खत्म हो गए हैं? इसको लेकर सियासत अब गर्मा गई है। आगे देखिए वीडियो क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुजनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।